क्या तुम आ नहीं रहे? मम्मा ने कहा है अजनबियों की गाड़ी में मत सवार होना। ये स्कूल की बस है। अगर तुम मेरा बेटा हो भागो। अब आपको यकीन नहीं आएगा अगर मैंने बताया कि मैं हवा से तेज भाग सकता हूँ। अगर मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो मैं सिंह चड्डा में सलमान और शाहरुख का क्या रोल होने वाला है? आखिर पत्नी किरण से अलग होने पर अब आमिर का नाम किससे जुड़ रहा है? क्या होने वाली है लाल सिंह चड्डा की खास बातें? दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने पत्नी किरण राव को तलाक दे दिया है। ये आपसी सहमति से हुआ है। आमिर खान और किरण राव ने साल 2005 में एक दूसरे संग साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। शादी को 15 साल हो गए हैं और अब इसके बाद तलाक की खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। आमिर और किरण के तलाक की खबरों के बीच अचानक फातिमा सना शेख ट्रेंड करने लगा है। ट्विटर पर लोग आमिर और किरण के बीच हुए तलाक का जिम्मेदार फातिमा को बता रहे हैं। आमिर खान और किरण राव ने एक बयान भी जारी करा जिसमें उन्होंने ने कहा कि वो आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, लेकिन फिल्मों, पानी फाउंडेशन और बाकी प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करेंगे। इसके अलावा दोनों ने ये भी बताया कि वो दोनों अपने बेटे की परवरिश को मिलकर करेंगे। आमिर खान और किरण राव ने अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर दिया। ऐसे में कई फैंस उनके इस फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं तो कई उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। यही नहीं, आमिर और किरण राव को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बन रहे हैं और अब फातिमा से आमिर खान का नाम जुड़ना एक नया चैप्टर खुलता है। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान और फातिमा सना शेख का नाम तलाक से पहले भी जुड़ चुका है। फातिमा सना शेख आमिर खान के साथ दंगल में नजर आ चुकी है। करियर की शुरुआत ही उन्होंने वहां से की थी और इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा भी थी। दोनों एक्ट्रेस ने आमिर खान की ऑन स्क्रीन बेटी का किरदार निभाया था। दंगल के बाद आमिर खान और फातिमा सना शेख को ढग्स ऑफ हिंदुस्तान में देखा गया था और इसके बाद से ही इनकी जो आपसी अफेयर है उसकी चर्चा चलने लग गई। इसके अलावा आपको बता दें, फातिमा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इन बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती अब। पहले जब ये बातें सुनती थी बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब एक ऐसा समूह जो मुझे नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानता, कुछ भी लिखता है मेरे बारे में, उन्हें कुछ पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है सच्चाई से, तो अब मुझे उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसके पीछे क्या रीज़न है और फातिमा क्या वाकई इन दोनों के बीच में दरार लाई है और आखिर क्यों इन दोनों ने तलाक लिया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा या शायद कभी पता भी ना चले। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, लाल सिंह चड्ढा आने वाली आमिर खान की, जिसमें शाहरुख और सलमान एक साथ नजर आने वाले हैं। इनकी पहली बार होगा जब आमिर, सलमान, शाहरुख एक फिल्म में दिखेंगे और सलमान खान अपने आइकॉनिक किरदार प्रेम के रोल में नजर आएंगे, मैंने प्यार किया वाले, और शाहरुख खान वहीं राज के रोल में नजर आएंगे जो कि DDLJ वाला राज होगा। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का और आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।